शिवपुरी जिले के लुकवासा क्षेत्र में हम आज पहुंच गए हैं। यहां पर जिला मंत्री हरि ओम रघुवंशी जी से मुलाकात कर जानेंगे आगामी चुनावों को लेकर के क्या है तैयारियां भाजपा सरकार की। सर, आने वाले चुनावों को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? क्षेत्रीय दौरा आपका भी जारी है, तो एक दफ़ा हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारियां, भाजपा सरकार की तैयारियां आगामी चुनावों को लेकर के क्या है? तैयारियां तो भाजपा की हमेशा 5 साल ही चलती हैं। हमारे CM साहब रात दिन 24 घंटे दौड़े करते हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और हर पोलिंग बूथ पर एक एक कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है। तो तैयारी तो 5 साल चलती है, ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव आ गए हैं तो आज ही तैयारी कर रहे हैं। अभी के जो विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, जिनका नाम कहीं ना कहीं इस तरीके से सुनने को आ रहा है कि लोग उनसे रुष्ट हैं, कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जो उम्मीदें थी पिछले जो चुनाव हुए थे कि हाँ, जिन्हें हम अपने क्षेत्र का विधायक चुनने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकास करेंगे, हमारी विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोग आज उनसे असंतुष्ट से नज़र आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एवं नरेंद्र मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं कि विकास का तो अभी शुरुआत करेंगे तो एंड सुबह हो जाएगी कहते कहते। अब वो बात अलग है, व्यक्तिगत विरोध हो जाता है कुछ उसके व्यवहार के कारण, वातावरण के कारण। अब वो जो भी है पार्टी निर्णय लेगी, क्या सर्वे जो जिसका सर्वे में अच्छा नाम आएगा उसको पार्टी टिकट देगी। हमारा तो चुनाव चिन्ह फूल है और प्रत्याशी भी कमल का फूल है। क्षेत्रीय दौरा जो किया गया है, सर्वे की टीम जो निकली थी, जो सर्वे निकल के आया है, कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह यादव जी का नाम लोगों से सुनने को मिला है कि लोग उन्हें देखना चाहते हैं, चाहते भाजपा को ही है, लेकिन एक जो चेहरा है उसमें बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। इस बारे में क्या लगता है आपको कि उन्हें इस बार चुना जाएगा भाजपा की तरफ से? हाँ बिल्कुल, जो भाजपा किसी को भी चुन सकती है। भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है कि वो किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को टिकट देके अपने विकास के दम पर उसको जिता सकती है। और महेंद्र भाई साहब एक अच्छे इंसान हैं, उनके पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, उसका उनको उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो पार्टी अगर उनको प्रत्याशी बनाएगी तो निश्चित ही उनकी जीत पक्की है। जैसा कि हमने जाना, पंचायत, यहाँ की जो पंचायत है उसके सरपंच प्रतिनिधि हैं आप, क्या कुछ एक संदेश जो है आप जनता को देना चाहेंगे अपनी तरफ से और भाजपा की तरफ से? मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी इतना विकास गाँव में करा रही है, चाहे वो स्वच्छता के रूप में लें और चाहे हमारे खेत तालाब हैं जो पानी रोकने के लिए, किसानों के लिए गांव-गांव पंचायतों में विकास हो रहे हैं, CC खड़ंजा हैं, हेडपम्प हैं और अनेकों योजनाएं, लाडली बहना योजना हमारी पंचायत स्तर पर सभी लाडली बहनाओं को लाभ मिल रहा है, अनेकों ऐसी योजना हैं जो पंचायत की कि हम इतने योजनाओं का लाभ पब्लिक को मिल रहा है, तो वो भाजपा उनके दिल में और मन में बस चुकी है। सर, सुना है सिंधिया जी से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, जब उन्होंने भाजपा में स्विच किया था तब आपने भी किया था, उसी समय में बहुत सारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो सिंधिया समर्थक होने के कारण भाजपा में आ गए थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सिंधिया जी के लिए 2 शब्द? सिंधिया जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हैं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो हमारे सिंधिया जी के नाम पर ही बनी थी, कुछ लोगों ने महाराज के नाम पे सरकार बना के जनता को ठगा था, इसलिए महाराज जनता के हक के लिए पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन की और आज जनता के हमेशा मुद्दे उठाते हैं। आप कल ही देखिए लोकसभा में महाराज सिंधिया ने कैसे विपक्ष का मुंह बंद कर दिया और अपने दमदारी से वक्तव्य लोकसभा में दिया है हमारे सिंधिया जी ने।
हरिओम रघुवंशी जी से मुलाकात कर हमने जाना क्या रहे उनके विचार, भाजपा सरकार की आगे अगर जीत होती है तो लोगों को किस तरीके से लाभ मिलेगा, आज के जो विधायक हैं उनके बारे में भी जाना, सरकार की क्या तैयारियां रही हैं, आगे क्या क्या लाभ मिल सकता है ये भी हमने जाना। नमस्कार।